पार्लियामेंट ये जो 2011 की जनगणना हो रही है उसमें ओबीसी की भी जनगणना की जाए। उसके लिए स्वर्गीय मुंडे साहब, पवार साहब, सब लोगों ने जो है बड़ी मदद कर दी। ये हमारे जो लालू प्रसाद यादव हो या मुलायम सिंह यादव हो, मायावती, सब लोगों ने बहुत मदद की है। तो कांग्रेस के भी जो है क्या वो लोग भी जो सब सांसद थे, तो उसके कहने पर जनगणना हुई, मगर वो सेंसस कमिश्नर जो है उन्होंने नहीं की, वो ग्राम विकास खाता RDD या UD अर्बन डेवलपमेंट नगर विकास उन्होंने की। अब वो डाटा जो है 2016 में भारत सरकार के पास आया, जेटली साहब ने कहा कि डाटा आया है, ओबीसी की परिस्थिति बहुत ही खराब है, उन्होंने आंकड़े जाहिर नहीं किए। बाद में जो है उसमें कुछ सदोष कुछ बातें है, तो उसके लिए पनगड़िया समिति जो है वो निर्माण की गई, मगर उस समिति में सदस्य नहीं नियुक्त किए गए। तो 5 साल के बाद वो पनगड़िया समिति वो भी जो है उन्होंने रेजिग्नेशन दे के वो गए। अब उसके बाद में जो है एक केस चली सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हाँ वो ट्रिपल डाटा केस चली सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हाँ वो ट्रिपल डाटा कर दो तो पूरा करो। अब उसके हिसाब से जो है हमने भी जो है अध्यादेश निकाल के आयोग की निर्मिति के अध्यादेश निकाला और कहा कि हम ट्रिपल डाटा में से पहली दो बातें जो है 50% के ऊपर नहीं जाएंगे, शुरू का शेड्यूल ट्राइब को उनके हिसाब से देंगे, और एम्पिरिकल डाटा जमा करने के लिए हमने आयोग प्रस्तावित किया है। कोरोना के वजह से वो कदम आगे नहीं डाल सके हैं, और इसी वक्त जो है एक दूसरी केस हमने खानविलकर साहब के बेंच पे डाली है, एक पर 3 महीने से चालू है कि भारत सरकार को कहा जाए कि वो एम्पिरिकल डाटा हमको दिया जाए, वो भी केस 13 तारीख को है और ये भी केस 13 तारीख को है। तो लास्ट मंडे को उन्होंने खानविलकर साहब के बेंच ने जजमेंट दिया कि जो इलेक्शन तुम अब शुरू हो गए है प्रोसेस, जो तुम्हारी कार्य प्रणाली जिसमें 27% सीटें जो ओबीसी की है वहाँ इलेक्शन नहीं होगा और बाकी जगह इलेक्शन होगा। तो महाराष्ट्र सरकार का कहना है दो बातें कि अगर इलेक्शन नहीं होना है तो पूरा और ये एम्पिरिकल डाटा हम देंगे और इलेक्शन हमको ओबीसी के साथ ही करना है, अलग अलग हम नहीं कर सकते हैं, ये महाराष्ट्र सरकार का कहना है। दूसरी जगह से जो है हम लोग जो है ओबीसी के कार्यकर्ता हम कहते हैं कि भाई सरकार ये गलत है या वो गलत है वो दूर रखो, मगर ओबीसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, जो 54% है वो अन्याय क्यों हो रहा है। तो ऐसी सारी बातें लेकर हम फिर से आज एफिडेविट करेंगे और 13 तारीख को सोमवार को खानविलकर साहब के सामने सारी बातें रखेंगे। और इसलिए प्रफुल्ल पटेल साहब, समीर भुजबल और हम कल मुकुल रोड की साहब से बातचीत की आधा घंटा, और वो जो है महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बाद में हम जो DMK के सांसद है और बड़े वकील भी है विल्सन, उनको कहा कि महात्मा फुले समता परिषद के ओर से आप खड़े रहो और कहो कि हमारी क्या गलती है, हमको क्यों नकारा जा रहा है, अन्याय क्यों हो रहा है। ये दो, और आज 5 बजे कपिल सिब्बल के साथ जो है हमारी तीसरी मीटिंग है जिसमें ये बात हम रखेंगे कि जिस उम्मीदवार ने ओबीसी की जगह के लिए फॉर्म भरा है, जो है विदित जो है बड़े वकील जो है, हम उनको दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें और सुप्रीम कोर्ट से जो है ये ऑर्डर पास करें, इलेक्शन हो तो सबका हो, अगर उसको स्टे हो स्थगिति मिले तो सबको स्थगिति मिले, कोई इलेक्शन ना हो, ओबीसी को छोड़कर इलेक्शन ना हो,
यही हम उनसे विनती कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।